आपने जो आईआईटीज में 9-10 CGPA मारी है वो आपके कितने काम आई? यार मतलब ऐसा तो नहीं है कि 10 CGPA आने पे मोदी जी 10 करोड़ रुपए देते हैं, ठीक है? तो काम तो मैं तेरे को पहले ही बोल दिया था, धोखा है, तू मार ले 10 CGPA, उसके बाद लोग तेरी एक्सपेक्टेशन ऐसे रखेंगे ना, तू तो 10 CGPA मारने वाला बनता था, तेरे से ये काम नहीं होता। तो यार CGPA ना, मैंने CGPA 10 इसलिए मारी थी, और लास्ट सेमेस्टर में मारी थी, समझ रहा है तू? मतलब जब जब तुम्हारा रजाई से निकलने का मन भी नहीं होता कि क्यों जाऊं मैं, अटेंडेंस भी क्यों लगाऊं, नौकरी लग गई या एमएस का हो गया, सब हो गया लास्ट सेमेस्टर में, तो तब मैंने 10 CGPA मारी थी। मैंने CGPA इसलिए मारी थी, दो रीजन थे। एक, मेरे को पढ़ने में बहुत मजा आता था, मेरे अब सर मजा मेरे को आता है किस चीज से, तुमको क्या पता? दूसरा, मैं 7 सेमेस्टर तक डिपार्टमेंटल रैंक 2 था, और मैं 8वें सेमेस्टर में डिपार्टमेंटल रैंक 1 बन गया 2 घंटे के लिए। कौन सा डिपार्टमेंट? क्योंकि मैंने तो 10 ही मार ली, अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन थी नहीं, 10 के ऊपर तो कुछ है नहीं। जो डिपार्टमेंटल रैंक 2 था वो प्रोफ को जाके रो दिया कि सर मेरी तो जिंदगी खराब होगी, 3.5 साल तो साला ये सेकंड आ रहा था, और डिग्री पूरी होते होते इसको सेल्फ हेल्प मेडल मिलेगा। तो प्रोफ ने उसका ग्रेड बढ़ा दिया, इसलिए मेरे को थोड़ी ना तब से IIT के प्रोफ से खुंदक है। भाई हिंदी बोल ले, ज्यादा टाइम तो नहीं चलता, जुगाड़ आपको चाहिए कि इमीडिएटली कोई चीज फट ना जाए, ठीक है? उसके लिए आपको जुगाड़ चाहिए, बट आप कोई भी बिजनेस ओवर अ लॉन्गर टर्म जुगाड़ से नहीं चला सकते। एंड पैसा जरूरी नहीं है यार, आप मिथिन कामत को देखो, निखिल कामत को देखो, जीरो था बनाई, कॉल सेंटर में काम करते थे यार वो, और दिन के टाइम ट्रेडिंग करते थे, रात को कॉल सेंटर में काम करते थे, जो पैसे जोड़ते थे वही ट्रेडिंग करके कमाते थे। तो भूख होनी चाहिए अंदर, एंड बिजनेसेस में पैसे लगते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिना पैसे के बिजनेस नहीं बन सकता। इनफैक्ट जो मैं 3rd यूनिकॉर्न में ट्राई कर रहा हूँ, जो मेरा खुद को चैलेंज है, वो ये है कि बिना पैसे के या कम पैसे के बिजनेस कैसे खड़े करना है। किसी के पैसे उठा के जब बिजनेस खड़े करते हो ना, पैसे को ज्यादा तवज्जो मिलती है, तुम्हारी मेहनत को कम मिलती है, तो बिना पैसे के हो जाता सर। हेलो हेलो सर, राइट स्ट्रेट सर, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लाइक डू यू थिंक बुक्स लाइक दोगलापन, 0-1, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड अदर्स ऑफ द सेम जॉनर गिव्स अस यूजफुल इनसाइट्स टू बिकम अ बेटर एंटरप्रेन्योर? गलत इंसान से गलत सवाल पूछ रहे तू, मैंने इनमें से कोई बुक नहीं पढ़ी। दोगलापन तो लिखी है ना, तो उसमें लिखना और पढ़ने में फर्क होता भाई, तेरा एग्जाम होता है तू लिख के आता है, पढ़ता तो वो जो चेकर है वो पढ़ता है ना एग्जाम, तो मैंने किताब लिखी जरूर है, पढ़ी नहीं है। और किताब पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला यार, तो मैंने मेरी किताब एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ लो, और अगर तुमको किसी की रियल लाइफ स्टोरी जाननी है उसके लिए पढ़ लो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरी किताब पढ़ के नेक्स्ट यूनिकॉर्न बना लोगे, तो तुमसे बड़ा फुद्दू कोई नहीं है।